तो भैया हम लोग देखते हैं डिफरेंस करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। पहले थोड़ा सा आप लोग राजस्थान और कश्मीर के बारे में बताते हैं। पहले हम राजस्थान, राजस्थान जो है उसको हम लोग कैसा मानते हैं, मरुस्थल मानते हैं, डिजर्ट मानते हैं। डिजर्ट का मतलब ये हो गया वहाँ पर रेत ज़्यादा है, बालू है, पानी का अभाव होता है। जब जहाँ पर पानी का अभाव होगा तो जहाँ पर वहाँ पर जो पौधे होंगे या जो एनिमल होंगे, ऐसे एनिमल होंगे जिनको पानी की आवश्यकता कम होगी, ऐसे प्लांट होंगे जिनको पानी की आवश्यकता कम होगी, तभी तो वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो अगर जिनको ऐसे एनिमल को रख दे जो जो दिन भर में 10 लीटर पानी पीता हो, और अगर उसको दिन भर में 1 लीटर पानी न मिले तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं सरवाइव कर पाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, अगर हम कश्मीर की बात करें, हम कश्मीर में चलते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर हम लोग वहाँ पर किसी ऐसे एनिमल्स को रख देते हैं जो हमेशा गर्म में रहना पसंद करता हो और उसको वहाँ रख देते हैं तो वहाँ सरवाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म पसंद करता है, हम लोग उसको ठंडे में। ऐसे ही वहाँ जो प्लांट होंगे वो उनको वहाँ पर भरपूर, वहाँ ठंड वाले प्लांट होंगे, अगर वहाँ पे गर्मी वाले प्लांट, कम पानी वाले प्लांट को ले जा कर रखेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उसी की बात करते हैं। दिया है कोनिफेरस ट्री लाइक पाइन एंड देवदार फ्लावरिस इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर। कोनीफेरस मतलब होता है, कोनीफेरस का मतलब ये होता है ऐसे ट्री, ऐसे प्लांट जिनके ऊपर कोन का फार्मेशन हो। कोन का मतलब ये होता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं भैया जो उनके ऊपर जो रिप्रोडक्शन के लिए एक फार्मेशन, ऐसे कोन बनता है, एक ऐसी संरचना बनती है, उसी क्या बोल देते हैं, कोन बोल देते हैं। ऐसी संरचना को कोनीफेरस बोला जाता है। जिस ट्री के यहाँ ऐसा संरचना बनती है उसी को कोनीफेरस ट्री बोलते हैं। एंड देवदार, देवदार, देवदार एक प्लांट होता है, इसकी वुड बड़ी अच्छी होती है, मजबूत वुड मानी जाती है, और ये इंग्लैंड वगैरह में इसको हम लोग, इंग्लैंड वाले इसको भैया सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लावरिस इन स्नोवी रीजन लाइक कश्मीर, और ये कहाँ पे, स्नो बर्फीले एरिया, स्नोवी रीजन में जैसे कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक, हाउएवर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान प्लांट लाइक कैक्टस, राजस्थान में कैसे प्लांट पाए जाएंगे? अब ये तो जो ये जो प्लांट है इनको अगर बर्फ़ ना मिले, स्नो ना मिले, पानी कम मिले, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन अब जैसे हम लोग चलते हैं भैया राजस्थान में, अब राजस्थान में कैसे पाए जाते हैं, कैक्टस पाया जाता है, कैक्सिया पाया जाता है, आर टू बी फाउंड। कैक्टस, कैक्टस नागफनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये फिगर देखिए, इसी को हम लोग नागफनी बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में आपको और डिटेल बताएंगे। तो ये जो कैक्टस है, नागफनी है, आर बी फाउंड। द कैमल ए डिजर्ट एनिमल, जो कैमल ऊंट होता है इसको क्या बोलते हैं, डिजर्ट एनिमल बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता कम होती है। हम लोग एक हम्प देखते हैं, कूबड़ देखते हैं कैमल के ऊपर, वो क्या है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर उसके अंदर वाटर रखा रहता है, जैसे जैसे एक बार वो पानी पी लिया तो वो थोड़ा थोड़ा पानी उसी में से लेकर के अपने मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल करता रहता है। ठीक, इज नॉट फाउंड इन कश्मीर। ये जो कैमल है, अगर हम भैया ये थोड़ा पानी वाला है, गर्म क्षेत्र में पाया जाने वाला है, अगर इसको हम लोग कश्मीर में लेके चले जाएंगे ऊँट को, तो क्या वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, इसलिए वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक, व्हाट इज़ द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस, क्या रीजन है इस डिफरेंसेस का, इस डिफरेंसेस का रीजन भैया, अब वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अभी जो हम लोग हेडिंग पढ़े थे एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, उसका मतलब ये हो गया। पहला हेडिंग हम लोग शुरू करने चल रहे हैं एडाप्टेशन, इस डिफरेंसेस का मतलब है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है, एडाप्टेशन का मतलब हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना ही एडाप्टेशन कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, गर्म प्रदेश है, समशीतोष्ण जलवायु है, थोड़ा ठंडी, थोड़ा गर्मी, थोड़ा बरसात, हम लोग सबको थोड़ा थोड़ा सह लेते हैं। हम लोग सामान्यतः
लगभग अगर 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान है उसको सह लेंगे। ठंड में 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान सॉरी टेम्परेचर है, ठंड है 2-4 दिन, तो उसको हम लोग सर्वाइव कर। लेकिन अगर कंटिन्यू 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली टेम्परेचर रही, ठंड रही, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हीट में है, अगर हीट 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए या 50+ हो जाए तो हम लोग का स्किन क्या हो जाएगा, बर्न होने लगेगा, हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन इसी को कहते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रमिक रूप से जो चेंजेज आती है हम लोगों के बॉडी पार्ट्स में और बिहेवियर में और एडजस्टमेंट में, उस सराउंडिंग उस एटमॉस्फियर के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाने के लिए, उसी को हम लोग भैया एडाप्टेशन कहते हैं। जैसे उस एडाप्टेशन में मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा सामान्य सा। जैसे हम लोग देखते हैं, अब हम लोगों के यहाँ जो एनिमल पाए जाते हैं उनमें हेयर कम पाया जाएगा, गर्मियों में अक्सर उनका हेयर कम हो जाएगा, जैसे ठंडी आएगी बड़े बड़े हेयर धीरे धीरे। जैसे हम लोग डॉग्स वगैरह में देखते हैं अपने यहाँ, हम लोगों के यहाँ जो जानवर होते हैं उसको हम लोग जैसे काऊ है बफेलो है उसमें भी देखने को मिलता है। हम लोग काऊ में देखते हैं ठंडियों में उनके बाल क्या हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाएंगे, लेकिन जैसे गर्मी आएगी वो धीरे धीरे गर्मी अपने आप को इस टेम्परेचर में एडाप्ट करने के लिए बाल को कम। लेकिन कश्मीर में हमेशा ठंड रहती है, तो वहाँ पे देखेंगे जो वहाँ का डाग होगा उसको बड़े बड़े बाल होंगे, जो काऊ होगी बड़े बड़े बाल होंगे, क्यों, ठंड से बचने के लिए। अगर उनके बाल छोटे हो जाएं, कम हो जाएंगे, अपने आप को एडाप्ट नहीं कर रहे, उनको ठंड लग जाए, ठीक ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडाप्टेशन बोल देते हैं। दिया है देखिए एडाप्टेशन में हेडिंग, यहाँ से देखिए एडाप्टेशन, ग्रेजुअल चेंजेस अकर इन द बॉडी पार्ट्स एंड आल्सो इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प देम टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग। जो क्रमिक चेंज होता है बॉडी पार्ट्स में आर आल्सो इज इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हेल्प, जो मदद करता है एडजस्ट करने के लिए टू देयर सराउंडिंग, उस इन्वायरमेंट में उस क्लाइमेट में उसको अडाप्ट करने के लिए, रहने के लिए वो क्या करता है, चेंजिंग करता है। सच चेंज आर कॉल्ड एज, ऐसे ही परिवर्तन को, चेंजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। दे टेक प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ऐसा लंबे समय तक, बहुत समय तक ऐसा चलते रहने से ऐसा होता है। हम लोग देखते हैं कि जो जैसे अब मरुस्थल में पाए जाने वाला जो एनिमल या जो प्लांट्स होगा उनको पानी की कमी वाले होंगे, तो पानी की कमी के पानी को बचाने के लिए विशेष प्रकार का उनके पास डेवलपमेंट। जैसे हम लोग कैमल को देखते हैं तो उसके पास क्या है, एक बड़ा सा हम्प बन गया है, उसमें 4-5 लीटर पानी को स्टोर करके रख लेता है, थोड़ा थोड़ा पानी 4-6-10 दिन यूज करता रहता है। लेकिन अगर ऐसे एनिमल को रख दिया जाए जिसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा है तो अपने आप को बचा नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हम लोग एक एग्जाम्पल जिराफ वाला देखते हैं, जिसको लैमार्क साहब ने दिया था, उन्होंने बताया था कि अपना गर्दन उचका उचका के खाने लगे और सर्वाइव कर गए, और वो एक पीढ़ी से दूसरी, लेकिन वो बात वहाँ पे सही नहीं थी। वहाँ पर डार्विन साहब ने जो बात बताई कि कुछ छोटी गर्दन वाले थे, कुछ बड़ी गर्दन वाले थे, जो छोटी गर्दन वाले थे अपने आप को बचा नहीं पाए, एडाप्ट नहीं कर पाए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। जो बड़ी गर्दन वाले थे वो अपने आप को इस इन्वायरमेंट में बचा पाए, इसलिए वो सर्वाइव किए। डायनासोर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डायनासोर जो है वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन वो अपने आप को इस एडाप्ट एनवायरनमेंट में एडाप्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो आज जिंदा नहीं है। ठीक, इन सबको भैया हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन बोलते हैं। अब एडाप्टेशन इन प्लांट में आप लोग एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें दिया है प्लांट हैबिट टाइप ऑफ रूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम। तो थोड़ा से इसमें भी हम आपको बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं, हालांकि इसमें अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ इसके बारे में दिया है उसको देख लेंगे। जैसे लोटस दिया है, इसकी हैबिट एक्वेटिक, लोटस कमल कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। टाइप ऑफ रूट, इसकी रूट कैसी, फाइब्रस रूट होगी। हम लोग जानते हैं दो प्रकार की रूट पाई जाती है,
एक को हम लोग टैप रूट कहते हैं, एक एडवेंटिटियस रूट कहते हैं। जो एडवेंटिटियस रूट होती है उसमें फाइब्रस रूट पाई जाती है। ठीक, दिया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स। लीव्स का क्या कैरेक्टर, लार्ज होती है, प्लांट पानी में पाया जाता है, लार्ज एंड राउंड गोली होती है विथ वैक्सी लेयर। वैक्स का उसके ऊपर कोटेशन होता है, पानी में है तो अगर वैक्स का कोटेशन नहीं होगा तो पानी उसके ऊपर हमेशा रहेगा तो वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हालो एंड फ्लैक्स, हालो मतलब खोखली होती है एंड फ्लेक्सिबल लचीली होती है। अब कैक्टस की बात करें तो अभी कैक्टस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैक्टस कैसा होता है, मरुस्थली होता है जिसको हम लोग डिजर्ट बोलते हैं। उसकी रूट कैसी होगी, अब उसकी रूट एडवेंटेटियस टाइप की रूट्स होगी, फैली हुई रूट्स होगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स, लीव्स जो होगा उसकी स्मॉल लीव्स हो जाएगी क्योंकि अगर बड़ी लीफ रहेगी पानी ज़्यादा चाहिए उसको, तो इसलिए भैया उसकी लीफ छोटी हो जाएगी। यहाँ तक कि लीव्स उसकी मॉडिफाई होकर स्पाइन कांटे में बदल जाएगी। अब उसका जो स्टेम होगा, स्टेम मॉडिफाई होकर के कैसा हो जाता है, फ्लेक्सिबल तो थोड़ा रहता ही है लेकिन स्पॉन्जी हो जाता है, पानी भर जाता है उसमें। बनियान, बनियान को बरगद कहते हैं। इसका टेरेस्ट्रियल होता है। टाइप ऑफ रूट्स कैसी होगी इसमें, इसमें प्रॉप रूट्स पाई जाती है, प्रॉप या एरियल प्रॉप रूट इसको बोला जाता है। और इसका जो लीफ होता है कैसा होता है देखते हैं। जैसे लीफ आपने देखा है उसका सामान्य सी लीफ होती है, मीडियम साइज की लीफ होती है। वैक्स का कोटेशन उसके ऊपर नहीं पाया जाता, स्टोमेटा पाया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, आप लोग स्टेम का कैरेक्टर उडी होगा, हार्ड होगा, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक, अब एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट की बात करते हैं। तो हम भैया देखते हैं एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, स्टडी करिए और इसमें चीज़ों को दो तीन बार देखिए, जो चीज़ ना समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एडाप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। थैंक यू।